मेरे दोस्तों वो आयत ये है, वअल्फा बैना कुलूबिहिम लो अनफक्ता मा फिल अर्ली जमीअमा अल्फा बैना कुलूबिहिम वलाकिन अल्लाह अल्फा बैनाहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। इस आयत में हम आपको ये भी बताएंगे कि दिमाग किस वक्त ज़्यादातर ज़्यादा काम कर सकता है। दोस्तों के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आने वाली वीडियो आप देख सकें, क्योंकि दोस्तों हमारे दोस्तों ने खा के आप बहुत सी वीडियो यूट्यूब चैनल पर भेजते हैं, लेकिन जो दिमाग का मसला है उसके बारे में आप क्यों नहीं बताते हो। आप ये वीडियो भी हमारे तक पहुंचाएं। आज मैंने खा के उन दोस्तों को ये वीडियो सुनाऊंगा जिनका दिमाग कमज़ोर है, यानी उसके समझ में नहीं आ रहा है, उसका याददाश्त कम है, किसी बात भूल जाए। लेकिन हम एक तरीका आप लोगों को बताएंगे आपको उस तरह करना है। पहले दोस्तों हम इस तरीके बताएंगे कि आता है किस तरीके से यानी कि दिमाग फेल हो जाता है। उसके तरीके तो बहुत हैं, लेकिन हम अक्सर बताएंगे आपको, वीडियो लंबा हो रहा है। दोस्तों नंबर एक, आप जोर जोर से बात करेंगे, या नंबर एक आप जोर जोर से बात करेंगे तो आपका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। अगर आप किसी शोर में हो जाएंगे तो आपका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। या हर वक्त आप खाना खाएंगे या किसी भी वक्त आपके यूँ खाली नहीं हो जाएगा कर सकता अगर आप इस तरह करेंगे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि दिमाग काम किस तरह करता है। दोस्तों आप किसी जंगल में जाएंगे या किसी नया शहर में जाएंगे या किसी भी इलाका में जाएंगे तो आपका दिमाग काम कर सकता है, क्योंकि नई चीज़ देखने से आपका दिमाग तेज हो जाता है। और नए फल खाने से यानी कि सब्जियां, फ्रूट खाने से आपका दिमाग तेज़ हो जाता है। और ये हम आपको ये भी बताएंगे कि दिमाग किस वक्त ज़्यादातर ज़्यादा काम कर सकता है। दोस्तों एक मैं आपको बताऊंगा कि दिमाग का एक और भी तरीका है तेज़ करने का, क्योंकि ठंडी रोटी खाएंगे तो दिमाग बहुत तेज़ हो जाता है। दोस्तों आज हम आपको ये भी हम इसको इस बारे से कहेंगे क्योंकि आप पहले ना वाकिफ थे। दोस्तों एक आयत है उसको पढ़ना है 11 मरतबा। बहुत सी दोस्तों ने खा के आप ऐसी वीडियो क्यों नहीं बनाते। ये जो आज हमारा वीडियो है दोस्तों के बारे में, अगर कोई दोस्त बिछड़ जाए, नाराज़ हो जाए, किसी से मोहब्बत करे पहले नाराज़ हो जाए, उसके लिए एक आयत है, इसको रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो ठीक ठाक हो जाएगा पहले की तरह। मेरे दोस्तों वो आयत ये है, वअल्फा बैना कुलूबिहिम लो अनफक्ता मा फिल अर्ली जमीअमा अल्फा बैना कुलूबिहिम वलाकिन अल्लाह अल्फा बैनाहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। इस आयत मुबारक को रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ लें। अगर किसी के ख़ानदान में अपनी दिल की मोहब्बत चली हो तो उसका नाम लेकर इस आयत मुबारक को रोज़ाना पढ़ें 11 मरतबा। और ऐसे ही वीडियो हमारे पास हैं जो आप पहले से ना वाकिफ हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। मेहरबानी, खुदा हाफिज़।